देखिए, कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 14 लोगों की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्हें जोड़ने के बाद 249 लोग 249 लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे पास इंदौर में आ चुकी है और डेथ का जो कल का आंकड़ा था वो आज बढ़कर 30 हो गया है। जी, 3 नए मामले आए हैं जो रात तक हमें पुष्टि हो पाई है उनकी, और अगर उन्हें जोड़ लें तो 30 मामले अभी तक हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी खबर है कि कल 12 लोगों को हमने स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया है। इसके पूर्व भी 17 लोग घर जा चुके थे। इस तरह से 29 लोगों को हम लोग अभी तक स्वस्थ होने के पश्चात छुट्टी दे चुके हैं। जहाँ तक क्वारंटाइन का सवाल है, हम लोग 27 क्वारंटाइन सेंटर्स बना चुके हैं, उसमें 1000 से अधिक लोग अभी क्वारंटाइन सेंटर में हमारे पास हैं। इनके 14 दिन होने के पश्चात इनका टेस्ट किया जाएगा, निगेटिव आने पर इनको भी हम छुट्टी दे देंगे, और इनमें से अभी अधिकांश लोग स्वस्थ हैं। सिर्फ उनके 14 दिन होने का इंतजार हम पूरा कर रहे हैं। हमारी जो विभिन्न सघन बस्तियों में सर्वेक्षण का कार्य है वो भी द्रुत गति से चल रहा है, और जो 3-4 इलाके हॉटस्पॉट थे जहाँ ज़्यादा केसेस दिख रहे थे वहाँ पर हमारा कल का जो सर्वेक्षण था वहाँ 3,500 घरों में हम लोगों ने सर्वेक्षण कर लिया था। सर्वेक्षण में 27 लोगों में थोड़े बहुत सिम्टम पाए गए थे, परंतु उनमें कोई किसी में भी ऐसे लक्षण नहीं थे कि उनकी कोरोना की जाँच कराई जाए। इन सभी लोगों को जो भी प्रोफाइलेक्टिकली दवाइयाँ हैं वो सब दे दी गई हैं और उनको होम क्वारंटाइन के लिए सलाह दे दी गई है। जी, अधिकांश उन्हीं के परिजन हैं जो पहले जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और उनके बाद उनके प्रथम कॉन्टैक्ट को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया था। क्वारंटाइन करने के पश्चात उनके सैंपल्स भेजे थे और वो सैंपल्स की रिपोर्ट सब पॉजिटिव आती जा रही है। नए जुड़ने वाले क्षेत्र इंदौर में बहुत कम है, ये अच्छी बात है।